अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आप भी मजदूर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन को ओपन कर रही है लेकिन वो वर्क नहीं कर रही, तो इसका क्या मसला है? एरर आ रहा है, ओपन ही नहीं हो रही, लॉगिन ही नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके फ़ायदे बता देते हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं वो एक बार आप रीड आउट कर ले। इसमें पेंशन भी लगेगी, जो जिसके लिए जो है मजदूर है, बहुत ज़्यादा गरीब तबका है, उसके लिए पेंशन लगाई जाएगी मंथली, उसको हुकूमत की तरफ से पेमेंट दी जाएगी। तो आज की वीडियो जो है वो मसले के बारे में, लॉगिन नहीं हो रही एप्लीकेशन। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप गेस्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे या फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर जाके आपको डिटेल के साथ समझाते हैं क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये सारी डिटेल आपको बताते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हम यहाँ पर आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देख सकते हैं DWR एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी आप अवेलेबल है। ये देखें, पंजाब IT बोर्ड की जानब से ये अपलोड की गई है, इसे आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आपको जो है दूसरी एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, वही बताने जा रहा हूँ क्यों नहीं हो रही। ओपन करेंगे इसे, ओपन करने के बाद यहाँ पे लो कर देंगे, अलो कर देंगे इसे, और लोकेशन को भी अलो कर देंगे, और यहाँ पे हम इसे दोबारा ओपन करेंगे, और यहाँ पे इस तरह का इसका इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अभी यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन लॉग इन हैज़ गेस्ट आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये HTML फॉर्मेट में कुछ आ जाता है कोडिंग का इसका, तो इसका जो है वो इस तरह का आ जाता है, लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन हैज गेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये लॉगिन होने के बाद इस तरह का आ रहा है। अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ ये आ रहा है, लॉगिन हैज गेस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डाटाबेस में इन्होंने जो गेस्ट का यूज़र नेम है वो guest.abc और पासवर्ड गेस्ट रखा है। ये ट्राई करके देख लेते हैं, इसमें guest.abc और नीचे हम लिखेंगे गेस्ट की लॉगिन और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे भी सेम मसला आ रहा है, वही मसला आ रहा है कि नेक्स्ट विंडो पे नहीं जा रहा। दोबारा करके देखते हैं लॉगिन, तो यहाँ पे वही मसला आ रहा है, ये लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन है गेस्ट पर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे क्रोम में आ जाएंगे, क्रोम में यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे पंजाब IT बोर्ड, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर रजिस्ट्रेशन पंजाब, यहाँ पे हम देखेंगे ये वर्कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेबर का आ रहा है, और यहाँ पे एप्लीकेशन का इन्होंने बताया हुआ, इसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे यही आ रही है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन 12 और रियल टाइम डोमेस्टिक, देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन या जो वेब पोर्टल है वो है या नहीं है। तो यहाँ पे फ़िलहाल यही एप्लीकेशन है और यही शो कर रहा है, ये जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये दूसरा फॉर्म है, ये नहीं है। तो यही है बस एप्लीकेशन जो कि अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रही है, जिसके बाद जो कोटा था, अभी जो लिमिट थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, तो अभी जो है वो इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, उन्होंने बंद कर दी है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही ओपन होगी तो लॉगिन हैज गेस्ट करने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अपना नाम, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो अपना नाम लिखना है, अगर किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सबसे ऊपर नाम ऑफ एम्प्लॉयर, उसका फादर नेम, उसका जो नंबर है वो, उसका CNIC और एड्रेस लिखना है।
ये आपने चीज़ें लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ वर्कर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये डोमेस्टिक के लिए है। अगर बैक जाएंगे ये भी डोमेस्टिक के लिए है। उसके बाद ये वाला आ जाएगा कि कैटेगरी कौन सी है, पीस वर्क पार्ट टाइम है या फुल टाइम वो काम कर रहा है, बाकी वही है। यही इसका फॉर्म है लॉगिन होने के बाद। तो अभी जो है इन्होंने बंद की हुई है, अभी इसका जो है ओपन नहीं है एप्लीकेशन, अभी इन्होंने बंद की हुई है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ये ओपन होती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसकी जो लिमिट है 50,000 अभी हो चुके हैं डाउनलोड, तकरीबन 30,000 या 40,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, तो उसे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। उसके बाद टाइम लगने के बाद जो है अगर लिमिट इंक्रीज की गई वो प्रोसेस होने के बाद, तो फिर आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इन्होंने ये देखे डाटाबेस जो है वो लिंक नहीं किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका ये कोड आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने इसे डिसलिंक कर दिया है। तो ये HTML की फाइल यहाँ पे आ रही है अब, तो यही मसला है कि उन्होंने इसे बंद किया हुआ है। जैसे ये ओपन होगी तो आपके पास लॉगिन हैज गेस्ट पे वो आ जाएगा आगे वाली स्क्रीन। तो जैसे ये चलती है एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं आपका लॉगिन हो रहा या साइन अप नहीं हो रहा, तो वो डिटेल में बता दिए कि अभी इन्होंने बंद की हुई है एप्लीकेशन, तो अभी वो किसी की भी एप्लीकेशन यहाँ से वसूल नहीं कर रहे ऑनलाइन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और हाईटेक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।